कोरोना महामारी में दिल्ली सरकार ने धीरे धीरे करके हर एक चीज पे छूट देनी शुरू कर दी। वही आपको बता दें कि कई चीजों पे दिल्ली सरकार ने अभी भी बंद रखा, जैसे कि जिम को दिल्ली सरकार ने अभी भी बंद रखा था। लेकिन हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं सफदरजंग एयरपोर्ट की, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे जिम के ऑनर्स ने यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया और साथ ही दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इनका कहना है कि जिम खोलो या फांसी दो, क्योंकि इनका कहना है कि हम आर्थिक मंदी से काफी परेशान हो गए थे। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता दौलत शर्मा के साथ कशिश की रिपोर्ट। दिल्ली के जिम मालिकों ने आज सफदरजंग एयरपोर्ट पर दिल्ली सरकार और एलजी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। तस्वीरें हम आपको दिल्ली के सफदरजंग एयरपोर्ट की दिखा रहे हैं, जहां पर दिल्ली के तमाम इलाकों के जिम मालिकों ने यहां पर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कोरोना महामारी के दौरान पिछले कई महीनों से जो दिल्ली के जिम हैं वो बंद हैं। जहाँ एक तरफ सरकार लोगों को रियायत दे रही है, वहीं अगर देखा जाए तो जिम मालिकों को अभी तक कोई रियायत नहीं दी गई, जिससे नाराज जिम मालिकों ने यहाँ पर प्रदर्शन किया और उसी दौरान सड़क पर जाम भी लग गया। एम्स से लोधी कॉलोनी आने वाले मार्ग पर ये सभी प्रोटेस्ट करने वाले जिम के मालिक जो है सड़कों पर बैठे रहे। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने इनको समझा बुझाकर यहां से जाम को खुलवाया। हिंदुस्तान के जिम जो खुल सकते हैं, तो दिल्ली में ऐसा कौन सा अनोखा मुख्यमंत्री आ गए हैं जो हमारे जिम नहीं खोल रहे? ऐसी क्या राजनीति चल रही है जो हमारे जिम नहीं खोले जा रहे? 6 महीने से पूरी जिम इंडस्ट्री बेरोजगार है, अपने घर में मजबूर है। आज जिम बंद है, कितनी दिक्कत हो रही है आप लोगों को? और इतनी ज्यादा दिक्कत है, 6 लोग सुसाइड हो चुके हैं। एक सेकंड, दिक्कत हो रही है आप लोगों को जिम जब से आप लोगों के बंद है? तो सर इतनी दिक्कत हो रही है जिसका हम बता नहीं सकते। बच्चों को स्कूल की फीस के लिए रोज फोन आ रहा है, बिजली का बिल आ रहा है, बंद बिजली का बिल, जिम का बिल दे रहे हैं और इतने परेशान है, बता नहीं सकते। 6 महीने होगा सर्वाइव करने में, सब कुछ हो चुका है, तो हम क्यों नहीं? हम भी सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे, जैसे गाइडलाइंस बताई गई है वैसे गाइडलाइंस के थ्रू हम सारा काम करेंगे, जिम को सैनिटाइज भी करेंगे। हम लोग बहुत परेशान है जो आज रोड पे आ चुके हैं। सबकी फैमिली है, कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि सब कुछ कुछ हुआ, नहीं खुला तो कोई दिक्कत नहीं थी। मेरी केंद्र सरकार राज्य सरकार से विनती है, प्लीज हमारी तरफ भी ध्यान दे, हमारी भी फैमिली है हमारी, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू प्लीज। किस इलाके में आपका जिम, किस इलाके में? मेरा पहाड़गंज इलाके में, मेरा नाम संदीप है और हम बता नहीं सकते हम कितने परेशान है। हमारे होटल लाइन है वो सब कुछ खुल चुकी है, होटल लाइन भी खुल चुकी है, साप्ताहिक बाजार खुल चुका, तो हम क्यों नहीं खुलेंगे? आप वहाँ जाके देखो, कोई डिस्टेंसिंग नहीं होती, कोई कुछ नहीं है, लोग 12 घंटे सोएंगे भी, यहाँ तो आधे घंटे के घंटे वर्कआउट करेगा 45 मिनट का, वो छुट्टी हो जाएगी। प्लीज हमारी तरफ भी ध्यान दे, आपके माध्यम से हमारी बात आगे तक पहुंचे। थैंक यू सो मच। सारे हाथ भाई खड़े करते हैं, तो हम सीएमओ चलने के लिए तैयार है, लेकिन एक बात सरकार द्वारा जिम नहीं खोले जा रहे। सभी भाइयों से पूछते हैं, सारे हम केजरीवाल के घर जा सकते हैं? चले गए सारे भाई, चलो फिर भाई सारे अपनी गाड़ी में बैठे। और यहाँ पे सबसे साल का यूरो कौन आया था? प्रधानमंत्री जी ने किया कि मैं जीवन लाइन जरूर आऊंगा और सबसे सरकार का धन्यवाद करता हूँ, उन्हीं जाकर मिलूंगा और इतना दोस्त के लिए और आईडी कार्ड कर जाएंगे। लोकेशन अभी सबसे फॉरवर्ड कर देते हैं, जीवन लाइन चलते जा रहे हैं, प्रदर्शन करना पड़ा और सरकार से मांग करी जा रही है कि फांसी दो या जल्द से जल्द हमारे जिम खोले जाए। अब देखना होगा कि सरकार वापस नहीं होता है। मैं कशिश कागज पसंद आ सकते।